युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित वाल्मीकि रामायण पर आधारित संगीतमय रामकथा के छठवें दिन श्री राम कथा में कथा व्यास अनंत श्री विभूषित जगतगुरु स्वामी रामानुचार्य जी राघवाचार्य जी महाराज ने कहा कि भक्त का भगवान में विश्वास परम दृढ़ होना चाहिए। कथा व्यास ने भगवान श्री राम एवं माता सीता के विवाह का वर्णन करते हुए कहा कि मिथिला के सभी व्यक्ति महान विद्वान थे। ज्ञान सहजता से प्रत्येक व्यक्ति में आ जाता है क्योंकि राजा जनक स्वयं राजा के रूप में ऋषि थे। मिथिला में जितने भी राजा हुए सभी ब्रह्म विद्या विशारद थे, सभी आत्म विद्या में निपुण थे, इसलिए मिथिला को ज्ञान की नगरी कहा जाता है। मिथिला का जो भी अयोध्या का अन्न नहीं खाया क्योंकि बेटी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। श्री राम के विवाह का निमंत्रण स्वयं नारद जी ने महाराज दशरथ के सगे संबंधियों को दिया। अयोध्या के ऐश्वर्य के आगे इंद्र और कुबेर भी लज्जित होते थे। राजा जनक ने अपने दूतों को सीता स्वयंवर में राम जी द्वारा शिव धनुष भंग का संदेश तथा राजा दशरथ जी को बारात लाने का निमंत्रण दिया। भगवान श्री राम जी का बारात अद्भुत बारात थी क्योंकि उस बारात में दूल्हा तथा विवाह की तिथि नहीं निश्चित थी। संपूर्ण कथा श्री गोरक्षनाथ मंदिर के फेसबुक पेज एवं यूट्यूब व गोरखपुर न्यूज चैनल के माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया। तप तप कैलन काला की जोगी मुनि जप तप कैलन जिनका लगी जोगी मुनि जिनका लगी जोगी मुनि काला जप तप कैलन जिनका लगी जोगी मुनि जप तप कैलन से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन से मिथिला की सखियां कहती हैं कि जिनके लिए मिथिला की सखियां अपने भाग्य पर गर्व करती हैं। हम भाग्यशालिनी क्यों भाग्यशालिनी है? बोले जिनके लिए बड़े बड़े जोगी मुनि महात्मा तपस्या करते माला फेरते फिर भी मिलते नहीं। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन से ही हमारा मिथिला में पाहुन बन के कैलन ये हमारा सौभाग्य। जिनके लिए बड़े बड़े मुनि अमलात्मा महात्मा विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक निरंतर निरंतरायमान नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के द्वारा जिन प्रभु को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं ऐसे भगवान हमारे मिथिला में पाहुन बनकर के आते हैं। ये हमारा सौभाग्य। तप कैलन से ही हमारा मिथिला में पाहुन बन के आए। तो लोगों ने कहा तब तो बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा, ऐसे ठाकुर जी आपके यहाँ पधार रहे हैं, आपका सौभाग्य है, तो उनको आप क्या भेंट करोगी, उनका क्या स्वागत करोगी? तो सखियों ने कहा आज लोढ़ा से सिकाई इनका गाल सखी, आज लोढ़ा से इनका गाल सिकाएंगे। अब लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, अब लोढ़ा से सिकाई इनके गाल चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया सखिया। इस समस्या से बचने का उपाय क्या है? तो सखाओं ने सलाह दिया, भाई कुर्सी लगा दो महात्माओं को आचार्यों को इधर से लाके लगा दिया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आज राम जी का विवाह है ना, तो सब अयोध्या से चल करके जितने दाढ़ी वाले हैं सब आए रहेंगे, तो दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम।
राम राम सीता राम 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 सीता 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 राम राम राम। ये दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, लग रहा है जैसे कोल्हू का बैल चल रहा है। तो एक सखी ने कहा कि कोल्हू के बैल से उपमा इनकी क्यों दी, बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी। एक सखी ने कहा बरद तो वही होता जो सरसों की घानी पेरता, इनको आपने बरद क्यों कहा, उपमा और उपमेय में सादृश्य होना चाहिए तभी उपमा अलंकार सिद्ध होगा। कुछ सादृश्य तो होना ही चाहिए, पूरी पूरी तो समानता नहीं होती उपमा उपमेय। जैसे किसी को कोई उपमा देता है कि भाई इनका मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा के समान कहने का मतलब चंद्रमा तो बहुत बड़ा है, उतना बड़ा किसी का मुख हो नहीं सकता। चंद्रमा एक विशाल पिंड है, लेकिन चंद्रमा के अंदर जो आह्लाद तत्व है, चंद्रमा के अंदर जो चंद्रमा को देखने पर जो आह्लाद और सुख होता है, उसी प्रकार का कुछ मिलता जुलता सुख जिसके मुख को देख करके हो। लाख योनि के विधानी है सखी, ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोदो के बरत है सखी, चले धीरे जैसे कोदो के बरत। जैसे किसी बकरे को बलि चढ़ाने के लिए कोई ले जा रहा हो और उसको पता चल जाए और बंधन से छूट जाए तो भागता है जान बचा करके, बंधन से छूटी अज भागे है सखी। जैसे बंधन से छूट करके अज भागता है उसी प्रकार ये भाग रहे हैं, बकरे के समान दौड़। एक सखी ने कहा बकरे की उपमा क्यों दी, अज की उपमा क्यों दी, तो सखी ने कहा अज का मतलब अजन्मा, जिसका जन्म न हो उसको कहते हैं अज। अजाय मानो बहुधा विजायते, वेद ने भी कहा अजाय मानो बहुधा विजायते, जो अजाय मान है कभी जन्म लेता नहीं लेकिन अनेक रूपों में प्रकट हो जाता, तो ये भी अज हैं, अजन्मा हैं, इनका जन्म नहीं हुआ, ये तो प्रकट हुए हैं भय प्रकट कृपाला। और अज इसलिए भी है कि इनके जो पुरखा थे उनका नाम भी अज था, अज के खानदान में जो पैदा हो वो अज। और अगर पशु की दृष्टि से कहा जाए तो यज्ञ का जो पशु होता है वो यज्ञ का पशु भी परमात्मा का ही रूप होता है, सोम आज्यम पशु वेद व्यास जी कहते कैसे लागे बाप अंगना में ठाड़े हैं सखी, जो सो बड़े नील मरे कंब पाड़े हैं सखी, जो सो बड़े नील मरे कंब पाड़े हैं सखी, पग धीरे कैसे धूल आधरत है सखी, पग धीरे कैसे धूल आधरत है सखी, चले धीरे जैसे कोदू के बरत है सखी, चले धीरे जैसे कोदू के बरत है सखी। सबके अंतर्यामी रूप में ये विद्यमान है, तो इनके लिए कोई भी उपमा दे दी जाए तो वो सार्थक हो जाएगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार बड़ा सुंदर मनोविनोद हुआ। इस प्रकार से दुल्हा सरकार को सखियां लेकर के मंडप में आईं। प्रसंग बड़ा लंबा है, ये विवाह का प्रसंग तो ऐसा अद्भुत है, महाराज की राम जी के विवाह की कथा 5 दिन सुनाओ तब भी पूरी नहीं होगी। कितने कितने भाव हैं, कितनी कितनी विधियां हैं, मिथिला का रस क्या है, लेकिन आप इतना ही जानो कि चारों दुल्हा सरकार जब मंडप में आए विराजमान हुए तो
तो सारे कृत कौतुक मंगल आचार्यों ने संपन्न कराए और कन्यादान का जब समय आया, हरे हरे होते चहूं ओरिया आहे आहे, हरे हरे होते चहूं ओरिया आहे, चारो दुलार मेल देत कवरिया आहे, चारो दुलार मेल देत कवरिया आहे, चारो दुलार दुलहन देत सिरन पे सोहे मणि में मोर मोरिया, सिरन पे सोहे लगती है यार की उतारू रघुनंदन दुल्हा के, लगती है यार की उतारू रघुनंदन दुल्हा के, हीरा के हार मोर लर मोरी है, हीरा के हार मोर लर मोरी है, जप कर चारू भी धोती धोती है, जप कर चारू भी धोती धोती हूँ, चरण महावर कर कंगन दुल्हा के देहू, चरण महावर कर कंगन दुल्हा के, सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, नयन कजरवा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के चमके, लेरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के, लगी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, लगी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, बंद मुस्कान भोहे तिरछी का मान है, बंद मुस्कान भोहे तिरछी का मान है, जाति कोई उपमान सकल जहान है, कोई उपमान सकल जहान, नामो कोटि छवि बारू अंगे अंगन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, धन धन मिथिला के सुकृत महान है, धन धन मिथिला के सुकृत महान है, लाडली के पास पौली ऐसन मेहमान है, लाडली के पास पौली ऐसन मेहमान है, बांधू नाही भूले गठबंधन दुल्हा के, ऐसन बाकी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, सखी है चारों दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, सखी है चारों दुल्हा के, सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा आराधिक्यग्रहणम् पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरिओं जद्देन जद्यमय जन्तदेवास्तानि सर्वाणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकम् महिमानः। चलते हुए ये बड़ा हर्ष हो रहा है कि खास तौर से यजमान मित्रों से कि कल कथा का विश्राम दिवस है, कल सातवें दिन कथा का विश्राम दिवस है, इस सदन में इस सभागार में सायंकालीन सत्र में कल कथा का विश्राम दिवस है।